Assalamualaikum viewers, hope you're well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss a form of water pollution known as oil pollution. We will discuss its introduction, causes, effects and possible solutions as well. So let's start with its introduction. Oil spill is a type of pollution that can occur in land or on water, but mostly oil spills are found in oceans. Oil spill is basically the release or spillage of petroleum products and are mostly caused by human errors. So, हमें definition से क्या बातें पता चली कि ये land या water दोनों में हो सकती है, लेकिन mostly ये oceans में हुआ करती है क्योंकि जो बड़े-बड़े tankers हैं oil के वो उनकी transportation oceans में ही हो रही होती है इस वजह से. और ये जो इनका main cause है spillage का वो human errors ही हैं, anthropogenic activities ही हैं. अब ये जो pollution oil spillage के नतीजे में होती है इसे ही हम oil pollution कहते हैं. और वो oil जो है वो crude oil भी हो सकता है और petroleum based other byproducts भी हो सकते हैं. अच्छा ठीक, anthropogenic activities के साथ एक main natural cause भी है oil pollution का, और वो ये कि जो हमारे पास underneath the sea जो sedimentation के दौरान decomposition नीचे जब start होती है तो million of years के बाद जो है हमारे पास fossil fuel बनना शुरू होते हैं. अब वो fossil fuels जो हैं environmental disturbances के through, जैसे कि earthquakes, hurricanes, climate changes वगैरह, जब tectonic plates अगर move कर जाएं तो उसके नतीजे में जो crevices बनते हैं उनसे जो oil leak करके जो water bodies हैं उनमें भी directly आ सकता है. और इससे फिर क्या होगा, oil pollution cause होगी. और ये oil अगर moving water के साथ mix कर जाए तो इसका dispersal बहुत speed के साथ होगा और इसको control करना, clean up करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. anthropogenic activities का जिक्र करें तो extraction से लेकर consumption तक हर stage पे oil spillage का risk रहता है. first of all जो machinery है जिसके through हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी मैन मेड है, तो उसमें कोई टेक्निकल इशू आ सकता है. इसके साथ साथ प्रोसीजर में कोई ह्यूमन मिस्टेक के थ्रू थोड़ा सा भी जो है आपका जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया तो उससे ड्रास्टिक जो है आपके पास डिजास्ट्रस जो है इफ़ेक्ट्स निकल सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है ये ट्रांसपोर्टेशन का ही जो स्टेप है वो होता है, और इसके नतीजे में बहुत से हादसा देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑयल टैंकर्स के दरमियान कोलिजन, और इसके थ्रू भी एक हादसे में मिलियंस ऑफ गैलन्स जो है वो ऑयल स्पिलेज हो गई थी ओशन में. स्टोरेज इशूज़ की बात करें तो ऑयल या इसके बाय प्रोडक्ट्स को केयरफुली स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसमें भी कोई ह्यूमन एरर आ जाए या मेंटेनेंस का प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए, इक्विपमेंट्स फेल हो जाए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या नेचुरल लाइटनिंग के थ्रू भी वो स्टोर ऑयल जो है वो आपके लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है, से फर्दर एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स लीड टू ऑयल स्पिलेज. और एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग कंजम्पशन की बात करें तो हमारी जितनी भी मशीनरी है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली, इसी के साथ साथ जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सब में जो ऑयल है वही एज अ फ्यूल यूज़ होता है. तो इन अगर डिवाइसेस में जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली मशीनरी है और भी जो वाटर बॉडीज के साथ और जो मशीनरी चल रही है उसमें अगर लीकेजेस हैं तो उसके थ्रू जो रन ऑफ हो के अल्टीमेटली ऑयल ने वाटर बॉडीज़ में ही आना है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ ऑयल पोल्यूशन है. ऑफशोर ड्रिलिंग की बात करें तो ऑफशोर्स पे ड्रिलिंग का प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, ये नॉन प्रिवेंटेबल है, और यहाँ से जो लीकेजेस होते हैं या स्पिलेजेस होते हैं वो भी न्यूमरस इन नंबर हैं. तो यहाँ पे जो आप जो प्रिवेंटिव मेयर्स की बात करें तो रिडक्शन एट सोर्स या प्रोटेक्शन एट सोर्स, केयर एट सोर्स ज़रूर कीजिए. उसका पॉइंट लाजमी मेंशन करना है जब हम कंट्रोल से पहले हमेशा प्रिवेंशन की बात की जाती है. अच्छा जी, जैसे कि हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के ऑफशोर में ड्रिलिंग के ऑपरेशन के दौरान 880,000 गैलन क्रूड ऑयल जो है वो स्पिल कर गया था सी में. वॉर जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस हवाले से कि जैसे कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ऑयल जो है वो कंट्रीज़ के लिए, कंट्रीज़ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसे ही होता है जैसे बी के लिए हनी होती है इम्पॉर्टेंट. सो इस इन इंडस्ट्रीज़ के आपस में कॉम्पिटिशन्स में जो मेन रीजन्स होते हैं वो विक्टम बनते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल ऑयल स्पिलेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. और 2019 में हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान में जब ऑयल टैंकर्स पे, दो ऑयल टैंकर्स पे अटैक भी हुए एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसके नतीजे में भी मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑयल ओशंस में गया. अब हम इन
स्पेलेजेस के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो विक्टिम होंगे वो एक्वाटिक लाइफ ही होगी, और स्पेशली वो लाइफ जो कि अपर सरफेस पे रहती है और जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है स्पिल्ड ऑयल के साथ, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ साथ जो एक्वाटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट पे डिपेंड करते हैं, तो जब ऑयल की एक लेयर बन जाती है वाटर के ऊपर तो सनलाइट डायरेक्ट अप्रोच नहीं करती, तो फोटोसिंथेसिस का रेट रिड्यूस हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट भी डिक्रीज कर जाती है, और फिर इन जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें मौजूद एरोबिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट जो लाइफ है ऑर्गेनिजम्स हैं वो सफोकेट फील करते हैं। इसी टारगेट्स फॉर प्रेडेटर्स में हम ये कहते हैं कि वो बर्ड्स एंड एनिमल्स जिनके प्लमेज या फर पे जो है ऑयल सिल्क अडहेयर कर जाती हैं, तो उनकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्टर्ब होकर रह जाती हैं, टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, और इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। और स्पेशली बर्ड्स जिनकी जो फर है, जब जितना ज़्यादा वो ऑयल से एक्सपोज होगी या जितना थिक या हैवी ऑयल स्पिलेज होगी उतना ज़्यादा उनके लिए फ्लाई करना मुश्किल हो जाएगा और दे बिकम ईजी टारगेट्स फॉर देयर प्रेडेटर्स। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इस स्पिलेज के बाद उस ऑयल को कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो उसके नतीजे में भी क्या होता है, जो ऑयल की टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनीज, लिवर्स, आइज एंड लंग्स को बुरी तरह से डैमेज करते हैं, और स्पेशली ये कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते हैं डॉल्फिन, सी ऑटर्स, सी टर्टल्स वगैरह को। और इसके साथ साथ जब एक एनिमल ऑयल को कंज्यूम करता है और फिर फूड चेन का नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल के एनिमल उस बेसिक एनिमल को कंज्यूम करता है जो कि ऑयल कंटेनिंग है, तो बायो मैग्नीफिकेशन देखने को मिलती है। बायो मैग्नीफिकेशन यानी हायर ट्रॉफिक लेवल्स में टॉक्सिसिटी जो है वो ऑयल की वो इन्हांस होती जाएगी, और अल्टीमेटली अगर इन्हीं एनिमल्स को ह्यूमंस खा रहे हैं तो उनमें तो ये मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ऑयल का टॉक्सिक इफ़ेक्ट। इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें तो ना सिर्फ ऑयल स्पिलेज से आपका ऑयल लॉस हुआ, बल्कि अब उसको जो क्लीन अप करने के लिए आपको टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उनमें जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ भी आपको अपने बजट में से एक जो है हैंडसम अमाउंट निकालनी पड़ेगी। लॉसेस टू फिशिंग इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि जो फिशर्स ऑयल को कंज्यूम कर रही हैं उनके अपने जो है फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है। इसके साथ साथ उस एनवायरनमेंट में फ़िश को कैच करना बहुत मुश्किल है, और अगर ऐसी फिशेस हाथ में आ भी जाएँ तो इन इस तरह की सी फूड की जो एनिमल्स हैं उन्हें प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज दे आर ऑयल कंटेनिंग। लॉसेस टू टूरिज्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होगा कि भाई वो सी शोर जहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं एनिमल्स की, फिशेस की, बर्ड्स की, तो वहाँ पे कोई टूरिज्म के लिए आना नहीं चाहेगा। इसके साथ साथ राफ्टिंग, स्विमिंग, सेलिंग ये सब भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द मेजर ऑयल स्पिल एक्सीडेंट्स दैट हैपन इन बिफोर 2019। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस गल्फ फॉर ऑयल स्पिल, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है लीकेज या वी विल से स्पिलेज हुई थी ऑयल की 240 मिलियन गैलन्स। एंड इसी तरह दिन 2010 में डीप वाटर होराइजन स्पिल, दैन 1979 में दो स्पिल्स हुई थी, एक स्टॉक एंड अटलांटिक एम्प्रेस ऑयल स्पिल, दैन 83 एंड 91 में नाउ रोजफील्ड प्लेटफॉर्म ऑयल स्पिल एंड ABT समर ऑयल स्पिल। सो लीस्ट भी जो हमारे पास एक्सीडेंट हुआ उसमें भी 51 मिलियन गैलन्स जो है वो ऑयल स्पिल हुआ है ओशन में, और इसने ट्रमेंडस अमाउंट में जो एक्वाटिक लाइफ को डैमेज किया होगा, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लीटर जो ऑयल स्पिल है उसमें एबिलिटी होती है मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर को कंटामिनेट करने की। तो जो हमारे पास इंसिडेंट्स हुए उनमें तो मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑयल रिलीज हुआ है, तो डिज़ास्ट्रस इफेक्ट्स आप इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें क्या करना चाहिए कि बचाए ये कि क्लीन अप में अपना ढेर सारा पैसा बाद में लगाएं, इससे बेहतर है कि पहले ही हम प्रिवेंशन मेजर्स ले लें, जैसे कि शिप्स की रीफ्यूलिंग के दौरान ऑयल लीकेजेस के चांस होता है तो उसको मेंटेन करके रखें, जो स्टोर्ड टैंक्स हैं ऑयल के उनमें मेंटेनेंस का ख्याल रखें, उन्हें हर तरह से शील्डिंग प्रोवाइड करें, देन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो ऑयल टैंकर्स हैं उनमें जो फासला है मेंटेन रखें, और अवेयरनेस क्रिएट करें सबसे बढ़ कर के इन ऑयल स्पिलेजेस से कितना नुकसान होता है, तो एज एन एक्ट ऑफ वॉर तो इन्हें बिल्कुल इंटेंशनली जो है ऑयल स्पिलेजेस ना की जाएं, बिकॉज अल्टीमेट जो सफ़र करेगी वो मरीन लाइफ करेगी, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ मजीद एक्सटिंक्ट होते जाएंगे।
सो इसके बाद जो है आप अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए फिर आप पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑप्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसी पर्पज़ को अचीव करने के लिए, इसी प्रिवेंशन को अचीव करने के लिए स्पिल प्रिवेंशन कंट्रोल एंड काउंटर मेयर रूल बनाया गया था। और इसका यही गोल था कि जो नेविगेबल वाटर्स या एडजॉइनिंग शोर लाइन्स हैं वहाँ पर चूँकि अगर डिस्चार्ज हो गया ऑयल का तो बहुत ही फास्ट रेट पर जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए फुल एफर्ट पुट करनी पड़ेगी और कि प्रिवेंशन रहे डिस्चार्ज ऑफ ऑयल की, स्पेशली इन सेंसिटिव एरियाज से। सो ये रूल इसी मकसद से पास किया गया और यूएस की ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ऑयल स्पिल प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत क्लीन वाटर एक्ट के अंडर इसको पास किया था। सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास ऑयल बूम्स का इस्तेमाल किया जाता है उस सिनेरियो में जब हमारे पास जो ऑयल स्पिलेज है वो एक कन्फाइंड एरिया में हुई हो, तो हम क्या करते हैं कंटेनमेंट, उस ऑयल को कंटेन्ड रखने के लिए बूम्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम बूम फ्लोट्स भी कहते हैं। थ्री पार्ट्स पे मुश्तमिल होती हैं ये, फ्री बोर्ड, स्कर्ट एंड चेन, और ये कनेक्टेड सेक्शंस मिलके क्या करते हैं उस स्पिल एरिया को सराउंड कर लेते हैं। अच्छा जी, जब ऑयल बूम्स की मदद से ऑयल्स जो है कन्फाइंड हो जाता है फिर हम स्किमर्स का जिन्हें हम ऑयल स्कूप्स भी कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से फिर हम उस वाटर को रिमूव कर लेते हैं और फिर हम उसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और फिर से वाटर को प्रोसेस करके रीयूज़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ सॉर्बेंट्स वो मटेरियल होता है जिसमें हे, पीट, मॉस्ट्रॉ या वर्मी क्यूलाइट आ जाते हैं और इनमें ये एबिलिटी होती है कि अपनी सरफेस के अंदर या फिर अपनी सरफेस के ऊपर ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, इस ऑयल को, ठीक है। लिक्विड से मुराद यहाँ क्या है, इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो कि वाटर की सरफेस पर स्पिलेज के दौरान आ जाते हैं, तो इस तरह से जो क्लीन अप है वो आसान रह जाता है। बर्निंग इन सीटू की बात करें तो जो ऑयल सरफेस पे है अगर उसे इग्नाइट कर दिया जाए तो 98% तक जो ऑयल है वो वैनिश कर जाएगा और लेकिन जो सरफेस स्पीशीज़ हैं उनके लिए ये डैमेजिंग होगा। यूज़ ऑफ डिस्पर्सेंट्स में हम क्या करते हैं, ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑयल की डिसइंटीग्रेशन के जो मैकेनिज्म है उसको स्पीड अप कर देते हैं। आगे जाके हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हॉट वाटर एंड हाई प्रेशर वॉशिंग में क्या होता है कि वाटर हीटर्स की मदद से ऐसे एरियाज़ में जहाँ से ऑयल को निकालना मुश्किल है, मशीनरी का इस्तेमाल मुश्किल है, तो वहाँ हम वाटर हीटर्स को सिंपली उसकी मदद से टेम्परेचर रेज करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक और फिर इस वाटर को नोजल्स की मदद से जब हाई प्रेशर के साथ निकालते हैं तो इसमें से फिर जब सेपरेशन हो जाती है ऑयल एंड वाटर की और स्किमर्स की मदद से या सॉर्बेंट्स की मदद से फर्दर ऑयल को रिमूव कर लिया जाता है। और अगर ऑयल स्पिलेज का एक्सीडेंट शोर्स के एरिया में हो, शोर लाइंस के करीब हो, तो हम ब्रेक, शॉवल्स या हैंड्स की मदद से लेबर मैन पावर को यूज़ करते हुए, मैनुअल लेबर को यूज़ करते हुए क्या करते हैं ऑयली डेब्रिस को रिमूव करवा लेते हैं। डिस्पर्सल एजेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे उसकी एग्जांपल थी कॉर एक्सिट 9500 और ये एयरक्राफ्ट्स या बोट्स की मदद से स्प्रे किए जाते हैं ताकि वही पर्पस अचीव करने के लिए ऑयल के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना या उसकी डिसइंटीग्रेशन को स्पीड अप करना। बायोरेमेडिएशन भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इननेट कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन ऑयल को रिमूव किया जाता है और जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें बैक्टीरिया, फंगाई, आर्कियन, एल्गी शामिल हैं क्योंकि इनमें नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन की एबिलिटी है जिसके दौरान वो ब्रेक डाउन कर देते हैं हार्मफुल कंपाउंड्स को लेस हार्मफुल में। और इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी कंटिन्यूस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इन्हें रिएजेंट्स और फर्टिलाइजर्स भी दिए जाते हैं। केमिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल बाय इलास्टोमर्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने ये बात ऑब्जर्व की कि इलास्टोल जैसे कंपाउंड जो हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो ऑयल को जिलेटिनाइज या सॉलिडिफाई कर दें जिससे ऑयल एक जगह पर कन्फाइंड हो जाएगा, फर्दर डिस्पर्स नहीं होएगा और इसके नतीजे में फिर हमारे पास इसको रिट्रीव करना, रिमूव करना भी आसान रहे। एंड यूज़ ऑफ इलास्टोमाइजर्स जो है ये कंपैरेटिवली एफिशिएंट। नेचुरल रिकवरी इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द ऑयल स्पिल क्लीनअप ऑपरेशन जिसमें हम नेचर की पावर्स लाइक सन, विंड, वेदर, टाइड्स या नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेथड तब ऑप्ट किया जाता है जब हमारे पास जो एरिया है वो इनएक्सेसिबल हो, तो उस केस में हम वेट करते हैं बिकॉज दिस प्रोसेस विल टेक मेनी ईयर्स टू कम्प्लीटली रिमूव दैट ऑयल स्पिलेज।
So due to the constancy of these elements, the oil generally evaporates or is broken down into simpler components. Like ultimately जो जब उसका continuous exposure रहता है इन factors से, इन natural factors से, तो ultimately oil remove हो जाता है. लेकिन अगर वो बहुत स्लो जा रहा है या मेरी लाइफ ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, तो फिर हम उसे कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे और जब पॉसिबल होगा तो अबव मेंशन मेथड से उसका फर्दर या कंप्लीट क्लीनअप जो है वो इंश्योर करेंगे. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द हेडिंग्स वेल. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ़.